हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की 18 दिसंबर की क्लास फोर्थ की वर्कशीट 136 गोइंग टू बाय अ बुक से रिलेटेड आज हम वर्कशीट करेंगे। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी स्टोरी को पढ़ें और इंजॉय करें। इट इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल। ये एक लिटिल गर्ल के और उसके ब्रदर के बारे में है। हु वेंट टू बाय सम बुक्स, जो कि कुछ बुक खरीदने जाते हैं। देयर ग्रैंडफादर गेव सम मनी एंड दे डिसाइडेड टू बाय बुक्स विद दैट मनी। जो बच्चे होते हैं उनको ग्रैंडफादर मनी देते हैं और वो डिसाइड करते हैं कुछ मनी से खरीदना। तो हाउएवर दे वर कंफ्यूज्ड अबाउट वेयर टू गो, अ बिग मार्केट और ए स्मॉल शॉप। वो सोचते हैं कि हमें बिग मार्केट जाना चाहिए, स्मॉल मार्केट जाना चाहिए बुक खरीदने। तो दे डिसाइडेड टू गो टू अ स्मॉल बुक शॉप। तो वे एक छोटी सी बुक शॉप जाना पसंद करते हैं। द बुक शॉप ओनर हेल्प देम इन चूजिंग द बुक्स। जो बुक शॉप का ओनर होता है वो उन्हें बुक चूज करने में हेल्प करता है। द ओनर शोड देम वैरायटी ऑफ बुक्स। वो उन्हें अलग अलग एनिमल्स, लड़ाई और मशीन्स के बारे में बुक्स दिखाता है। दे बोथ पिक्ड अप सम बुक्स। वो कुछ बुक्स लेते हैं और उन्हें रीड करते हैं और वो डिसाइड कर लेते हैं दैट दे बाय दीज बुक्स। तो अब आपको स्टोरी को आगे अपनी बुक से पढ़ना है और डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या किया। तो व्हाट काइंड ऑफ बुक, कौन सी टाइप ऑफ बुक गर्ल और बॉय ने खरीदी। तो द गर्ल बॉट, जो गर्ल थी उसने क्या खरीदी, फैट बुक विद मैनी स्टोरी, एक मोटी बुक कई सारी स्टोरीज के साथ। और उसके ब्रदर ने बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स, एक बुक जो कि बहुत सारी पिक्चर्स के संग थी। तो चिल्ड्रन, आप सभी को भी बुक्स अच्छी लगती है, तो आपको क्या देख के आप अट्रैक्ट हो जाते हैं उस बुक को खरीदने के लिए। तो ड्राइंग्स को देख के, कवर पेज को देख के, टाइटल को देख के, टेक्स्ट को देख के। तो ज्यादातर बच्चे ड्राइंग्स को देख के अट्रैक्ट होते हैं। आप ड्रॉ करें एक स्माइली जो भी आपका करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे टिक लगाया, आप यहाँ पे स्माइली बनाएंगे। अब विच इज योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट बुक क्या है। तो मेरी जो फेवरेट बुक है वो है चंपक। आप भी अपनी मनपसंद बुक लिख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।